दिल्ली में जैसे जैसे ऑड इवन फॉर्मूला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने आज नियम तोड़ते हुए चालान कटवाया। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने उनसे मुलाकात भी की थी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार की ऑड इवन योजना फिर विवादों में घिर गई है। केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर हो रहे खर्च से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसके विरोध में सोमवार को विजय गोयल ने जानबूझकर नियम तोड़ा। इवन डे पर ऑड नंबर की कार लेकर वो सड़क पर निकले। इतना ही नहीं, गोयल गाड़ी के इंश्योरेंस के दस्तावेज तक साथ नहीं लाए थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और 3,500 रुपए का चालान थमा दिया। इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने विजय गोयल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेता मिले तो गोपाल राय ने गोयल को फूल देकर उनसे नियम न तोड़ने की अपील की, लेकिन फूल के बदले गुलदस्ता देकर विजय गोयल ने गोपाल राय की हर दलील अनसुनी कर दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्म बहस भी हुई, लेकिन आखिर में गोपाल राय उन्हें मनाने में नाकाम साबित हुए। मुलाकात के बाद विजय गोयल ने कहा कि मैं ऑड इवन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सीएम और आम आदमी पार्टी इस मामले पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। ऑड इवन पर 2,000 रुपए का चालान बहुत ज्यादा है और ये कम होना चाहिए। विजय गोयल को जवाब देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड इवन अभी तक सफल रहा है। उन्होंने कहा कि आज ऑड इवन का 4th दिन है और इसकी सफलता के लिए वो दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में केजरीवाल सरकार की मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इस योजना को जिस तरह से सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऑड इवन पर असली राजनीति कौन कर रहा है।